Assalamu alaikum everyone, welcome to a new English lesson. In this lesson, we are going to learn the meaning of concede. So let's begin. Concede has two syllables and stress is on second syllable and you will pronounce it like concede. Concede. Repeat after me. Concede. Concede. And it means to admit or acknowledge something as true. Aur Urdu mein iska matlab hoga aitraf karna. किसी चीज़ का पहले इनकार करना, उसको डिनाई करना, रेजिस्ट करना और उसके बाद उसका एतराफ कर लेना कि हाँ ये बात सच है या ये चीज़ करेक्ट है, ठीक है, सही है, तो इस एतराफ को आप कहेंगे कंसीड करना. और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एतराफ़ हो रहा होता है ये अनविलिंगली हो रहा होता है, ना चाहते हुए हो रहा होता है, क्योंकि आप मजबूर हो जाते हैं कि उस चीज़ का एतराफ़ करने के लिए कि हाँ जनाब ये बात ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि पहले आपने उसको बहुत रेजिस्ट किया होता है, उसका इनकार किया होता है, डिनाई किया होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनविलिंगली होता है, लेकिन विलिंगली भी हो सकता है कि पहले डिनाई किया जाए किसी बात का, पहले रेजिस्ट किया जाए कि नहीं नहीं ये जनाब ये बात तो ठीक नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स फिर आपको एतराफ़ करना पड़ जाता है, आपके सामने जो है वो जो हकायक है वो आ जाते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, ये ट्रू है, तो उसको एडमिट कर लेना, उसका एतराफ़ कर लेना जो है वो कंसीड है. इसी तरह से किसी के हक को मान लेना, किसी के राइट को एडमिट कर लेना, उसका एतराफ़ कर लेना और वो चीज़ उसको दे देना. इस वजह से दे देना क्योंकि आपने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि हाँ ये उस इंसान का या उन उस ग्रुप ऑफ पीपल का या किसी एक इंसान का, पर्टिकुलर इंसान का ये राइट है, तो उस चीज़ का एतराफ़ करके वो चीज़ किसी इंसान को दे देना क्योंकि ये उसका राइट है, तो इसको भी कंसीड करना कहते हैं. इसका एक और मतलब है, वो मतलब ये है कि समटाइम्स जब कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, जब स्पोर्ट्स में, गेम्स वगैरह में, या कोई आर्गुमेंट हो रहा है या कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो जो भी कंपटीशन वाला एटमॉस्फेयर होता है, उस कंपटीशन में पहले आप अच्छी खासी फाइट करते हैं, मतलब जाहिर है दोनों टीम्स फाइट कर रही होती हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर एक टीम को फील हो रहा होता है कि अब वो टीम मज़ीद नहीं जीत सकती है, तो फाइनली उसको उस पॉइंट पर आकर कि जहाँ पर उसको लगे कि हम अब जितना भी कोशिश कर लें हम नहीं जीत सकते हैं अब, तो वो जो लूजिंग टीम है वो एक पॉइंट पे आकर इस चीज़ का एतराफ़ कर लेती है, अपनी डिफ़ीट का, अपनी हार का. तो अपनी हार को मान लेना, अपनी डिफ़ीट का एतराफ़ कर लेना भी कंसीड कहलाता है. कंसीड एक वर्ब है और इसका नाउन होगा कंसेशन, और इसका एडजेक्टिव है कंसेशनल, और इसका एडवर्ब है कंसेसिवली. लेट्स सी इट्स सिनोनिम्स. अब हमने पहले जो कंसीड का मतलब देखा है वो यही देखा है ना कि किसी चीज़ का एतराफ़ कर लेना, तो इसके सिनोनिम भी इसी मीनिंग में आएंगे, जैसे कि एडमिट. एडमिट का मतलब भी होता है मानना. फिर इसका सेकंड सिनोनिम होगा कन्फेस. कन्फेस का मतलब भी यही होता है एतराफ़ करना, तो ये कंसीड का सिनोनिम हो गया. इसी तरह से सरेंडर. सरेंडर करना का मतलब भी यही होता है कि आपने गिव अप कर दिया, आपने जो ओपोनेंट पार्टी है, जो अथॉरिटी है, उसके सामने सबमिट कर दिया, तो उसको सरेंडर करना कहते हैं. तो इस वजह से ये भी कंसीड का जो है वो सिनोनिम हो गया. इसी तरह से कैपिचुलेट का मतलब भी यही होता है कि आप एडमिट कर रहे हो अपनी डिफीट को, आप सरेंडर कर रहे हो, तो ये भी उसका सिनोनिम हो गया. अब नेक्स्ट सिनोनिम है हमारा यील्ड. यील्ड के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है टू प्रोड्यूस, पैदा करना, और दूसरा यील्ड का मतलब होता है कि किसी भी आर्गुमेंट में या किसी डिमांड के सामने आपने गिव अप कर दिया, आपने दे दिया, मतलब कि आपने सरेंडर कर दिया, कोई भी प्रेशर में आपने सरेंडर कर दिया, तो उसको भी यील्ड करना कहते हैं. तो इस मीनिंग में ये भी उसका सिनोनिम हो गया. इसी तरह से हैंड ओवर. हैंड ओवर का मतलब होता है किसी दूसरे को दे देना, तो जैसे कि आपने किसी का राइट किसी को दे दिया तो आपने हैंड ओवर कर दिया, तो हैंड ओवर भी इस मीनिंग में उसका सिनोनिम हो गया. इसी तरह से क्विट करना. क्विट करने का मतलब भी यही होता है कि आपने बीच में छोड़ दिया, आप एक कंपटीशन हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है, आर्गुमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और एक फाइनल पॉइंट आता है जहाँ पर आप जाकर क्विट कर देते हो, आप कहते हो कि नहीं भाई अब मैं यहाँ से इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, तो इस तरह से क्विट भी इसका सिनोनिम हो गया. इसके एंटोनिम्स देखते हैं. चूँकि कंसीड जो है इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इसके एंटोनिम्स थोड़े नेगेटिव मीनिंग वाले होंगे, जैसे कि रिफ्यूज़ करना. रिफ्यूज़ इसका एंटोनिम्स होगा. रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना.
इसी तरह से रिजेक्ट इसका एंटोनिम होगा. रिजेक्ट का मतलब होता है रद्द कर देना. डिसअप्रूव होगा इसका एंटोनिम, के मंजूर ना करना. डिसअलाउ कि किसी चीज़ को अलाउ ना करना, वो इसका एंटोनिम होगा. इसी तरह से डिनाई इनकार करना, वो भी इसका एंटोनिम होगा. लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल्स. Our first example is, after a long debate, John finally conceded that Maria's opinion was right. मतलब एक लंबी debate के बाद, एक लंबी गुफ्तगु के बाद, John ने finally इस चीज़ का एतराफ कर लिया कि जो Maria का opinion था, वो ठीक था. Our second example is, within 3 months, management was compelled to concede the rights of laborers. मतलब 3 महीने के अंदर अंदर management जो थी वो मजबूर होगी इस चीज़ का एतराफ करने के लिए कि ये जो है ये laborers के rights हैं और उनको दे दिए जाने चाहिए. Our third example is, after a great fight, losing team conceded their defeat. मतलब एक बड़ी fight के बाद उन्होंने अच्छा खासा जो वो game थी, जो भी sport थी, जो भी game थी, उसमें अच्छी खासी fight की, लेकिन उस great fight के बाद जो हारने वाली team थी, फिर उसने अपनी जो defeat है, उसको concede किया, मतलब उसका एतराफ़ कर लिया. उन्होंने मान लिया कि ठीक है, हम हार गए. Okay friends, our lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you like this lesson, please like, comment and share this video, subscribe to my channel and follow me on my social platforms. Links are available in comment section below, and I'll see you in next lesson. Allah Hafiz.